बजो। हेलो कॉस्मिक आर्मी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पुल 3 कॉस्मिक, काफी दिन हो चुके नहीं बनायो बैटल, जानता हूँ और ये गलती को मैं मानता हूँ, लेकिन आज का बैटल बहुत ही खुशनुमा होने वाला है क्योंकि ये बैटल में आपके दो फेवरेट कैरेक्टर्स को भिराने वाले हैं। इनकी पावर इन्फिनाइट लेवल में व्यवस्थित खाएगा, क्या बोल रहे हैं उसको, मतलब बिल्कुल जमे रहती है ब्रो, एकदम झका, मतलब ये किसी से भी पंगा और किसी की भी कान फाड़ने की औकात रखते हैं। बोले तो राउडी है साल, एक नंबर के राउडी है, किसी की बात नहीं मानते, अगर उतर गए अपने पे तो किसी को नंगा नहीं, उसको नंगा करके कपड़ा पहना के फिर बीच रास्ते में घुमाएंगे, वहां पर जाकर के उसके कपड़े निकालेंगे। तो आज का बैटल होने वाला है लूसिफर मॉर्निंग स्टार वर्सेज वेंटन यूनिवर्स के एलियन एक्स के पावर्स के बीच। अब मैं ऐसा काहे बोला आखिर की बैंड एन यूनिवर्स के एलियन एक्स के पावर्स के बीच। देखो यार, सब जानते हैं, हर एक हरामी जानता है एलियन डेविल की बात सुन करके थोड़े मजे आ गए। डेविल के बारे में तो जानते ही होगे, वन ऑफ द सेकंड मोस्ट पावरफुल बीइंग है ये डीसी वर्ल्ड में कॉमिक्स का। वैसे इसके बारे में कर्ट नहीं जानता कि 2016 की लूसिफर मॉर्निंग स्टार देखने के बाद अभी जो उसकी फिफ्थ सीजन आई है काफ़ी लॉन्ग, तो उसको नए नए फैन बन गए होंगे। वैसे मजा तो काफ़ी आया था उसको देख रहे, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉमिक के लूसिफर मॉर्निंग स्टार की, जिसके पास इनफिनाइट अमाउंट ऑफ पावर्स है। उसने यूनिवर्स क्रिएशन करके उसको एक कागज की पंडी में भर के वापस फेंक दिया था, मतलब सोच लो कितनी पावर है इसके पास भी। अब ऐसा नहीं है कि एलियन एग जो कांड कर सकते हैं वो लूसिफर नहीं कर सकता, उसे बेहतर ढंग से कर सकता है यार, भगवान का बेटा है। और एलियन एग क्या है, एक प्रजाति है भोसड़ी, उसको क्या बोलोगे आप, उसके पास पावर है वैसे, लेकिन वो गॉड नहीं है। अब ये बात तो मैं भी मानता हूँ, पर ये गॉड है, मतलब सच में ये डेविल है, मतलब कई लोग का ये गॉड हो सकता है। वैसे इल्यूमिनाटिस क्यों है आखिर। वेल एनीवे, अब जरा हम मेन कोर्स पर आ जाते हैं, अब बहुत हमने नाश्ता पानी कर लिया, अब सीधा खाना खाते हैं। अब डायरेक्ट बात करते हैं हम एलियन एक्स की। तो एलियन एक्स क्या है, एक प्रजाति है जो कि बैंडन यूनिवर्स के बाहर वो जो क्रिएशन में एग्जिस्ट करती है। इन्हें हमेशा अपने कुछ पर्सनैलिटी से झगड़ते रहते हैं, जिसके कारण इनके बॉडी अनयूजेबल हो जाते हैं, मतलब जो लफड़ा चलता है एकर दिमाग में चलता है, इसका बॉडी झाँट हिलेगा नहीं वाला बात होता है। लेकिन कुछ एक्टिव एलियन एक्सिस भी हैं, मतलब कुछ एक्टिव सेलेस्टियल सेपियंस हैं जो कि ज़्यादातर लफड़ा झेलते हैं, यानी पर्सनैलिटी से उसके दिमाग पर हावी हो जाएंगे, उनका बॉडी भी ऐसे नल्लों की तरह खड़ा रहेगा बस, पर चुरा सकते हैं, वीकनेसेस तो है ये भी। अब अगर हम उसके बाद देखें तो सिंपली एक सेलेस्टियल सेपियन दूसरे सेलेस्टियल सेपियन का खोपड़ी से लेकर के नुनू सब कुछ उखाड़ सकते हैं। और वो कौन सा, एक तो चूटिया यूनिवर्स है जहाँ पर एनिडा वैलीरस या वैसे कुछ नाम से है, वहाँ पर अगर एलियन एक्स जाता है तो वहाँ पर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ये बात तो हो गई है। मतलब ये है यार, ऐसे ही चूटिया है, मतलब झांट किसी को पता नहीं है एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, बस बोला जाता है कि वहाँ जाएंगे तो मर जाएगा, वो भी थ्योरी है ये, क्योंकि अभी तक हमें ऑन एयर दिखाया गया नहीं है। अब चलिए हम बात करते हैं हमारे डेविल की। तो लूसिफर मॉर्निंग स्टार यानी कि सैमुएल, तो ये है हमारे परम गॉड का बेटा, वैसे सबसे ज़्यादा पावरफुल बेटा माना जाता है, जब तक माइकल भैया ना आए, माइकल भैया इनकी गान ना मारे, तब तक ही सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। इनको सबसे ज़रूरी चीज़ यानी कि मेटल क्रिएशन का काम मिला था शुरुआत में। अब जब इन्होंने स्टार्स बनाए तो इनका नाम लूसिफर मॉर्निंग स्टार रख दिया गया बाकियों के द्वारा, इसने खुद नहीं रखा यार, अपना नाम खुद कौन रखता है। डेडपूल की बात नहीं कर रहा। देखो वर्दी को कॉमिक में ये माना जाता है कि इसके पास पूरी तरीके से ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंस की पावर्स है। इसको मारा जा सकता है लेकिन ये वापस रिजरेक्ट होकर के आ जाता है। अब अगर हम देखा जाए तो इसके बाद ये सबसे ज़्यादा अलग तरीके के कैरेक्टर माने जाता है, क्योंकि गॉड के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल उसी को माना गया है। और जहां तक हम जानते हैं कि ये हेल्थ का रूलर भी है, अब और क्या चाहिए इसको, ये किसी को मारना हो तो उधर ही लिपटा सकते हैं और वहीं से लेकर के हेल में जाकर के उसकी गान में चैन से बड़े बड़े गरम गरम सरिये डाल सकते हैं। वैसे इसकी कोई खास वीकनेस नहीं है, पर कुछ वेपन्स हैं जो कि स्पेशली गॉड्स ने क्रिएट किए हैं, वो इसको थोड़ा और तकलीफ पहुँचा सकते हैं, बाकी ये अपने आप को पूरी तरीके से मतलब हील कर ही सकता है यार। मतलब यार ऐसा ही थोड़ी नहीं, ये मल्टीवर्सल बींग है, ऐसी बात करते हो तुम भी,
जो जिस बंदे ने अखे मल्टीवर्स में स्टार्स बनाए हैं उसको तुम यह बोल रहे हो, स्टार मतलब टोटल आ जाते हैं ना, ए टू जेड अर्थ वगैरह जितनी प्लैनेट्स वगैरह सब आ जाते हैं, कि क्या वो एक ऐसे कैरेक्टर जिसकी अखे पूरी प्रजाति है, मारता हूँ ओमनीपोटेंस है, उनको मार नहीं सकता? और एक बवाल बात बताओ तुमको, इन दोनों का बैटल ना हमें सच में कभी देखने को मिल सकता है? मतलब बस यार थ्योरी टाइप की बकचोदी है, लेकिन देखने को मिल सकता है अगर किसी डायरेक्टर का दिमाग सट के और राइटर को बुलवा के इन दोनों का मैच करवाए, क्योंकि दोनों ही वार्नर ब्रदर्स की जहांगीर हैं, तो समझ लो कितना मजा आएगा। पहले इस वीडियो को कन्फ्यूजन यही होगा कि आप जिसको जिताना चाहो जिता सकते हो, लेकिन मेरा वोट लूसी वो मॉर्निंग स्टार के साथ है यार, क्योंकि वो गॉड के पार्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और अभी हमें यह डायरेक्टली फूक के मतलब देसी मार के बोला गया है कि बैंटन यूनिवर्स में एलियन एक्स से भी अभी भी तीन कैरेक्टर्स और भी ज़्यादा पावरफुल हैं, और उसके बाद वहाँ सुप्रीम गॉड बैठा हुआ है, और लूसीफर की क्या बात कही गई है, गॉड है उसके जस्ट नीचे यही चार्ट है। मतलब ये है कि अगर तुम बैंटन यूनिवर्स में किसी कैरेक्टर को भिड़वाना चाहते भी हो ना, तो वो जो तीन कैरेक्टर्स हैं उन तीन कैरेक्टर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो कैरेक्टर होगा उसको सामने लेकर के आओ, लूसीफर के साथ भिड़ा करके देखो, क्या भरोसा लूसीफर फिर से जीत जाए, क्योंकि ये बंदा ऐसा है कि सीधा जा करके बैंटन यूनिवर्स के सुप्रीम गॉड को ही चैलेंज करेगा, और इसीलिए तो मैं ये कैरेक्टर अपने को पसंद है। एनीवे आज का वीडियो यहीं रैप अप करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी हरामी अखंड हरामी नहीं ये वाला बोलना सही नहीं रहेगा दोस्तों के साथ। मैं चलता हूँ, दुआ में याद मत ही रखियो यार, उतना अच्छा इंसान भी नहीं हो, दुआ में याद रखोगे मुझको, बाकी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब करोगे एक आर्मी का पार्ट बन जाओगे जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी, और उसके बाद अपने आप को कॉस्मिक सुपर हीरो बोलते फिरना, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा था अपने आप को।